है दोस्तों, ना मैं आज घर पे ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ना मैं थोड़े एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, ना मैं स्वामीनारायण मंदिर पे जा रहा हूँ, लेकिन हम आज एक खास जगह पे जाने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता ही चल गया कि हमें कहाँ पे जाना है, तो चलिए जल्दी निकलना है हमें। और अभी के बज रहे, मैं पहले बता देता हूँ, अभी के बज रहे 5 बज चुके हैं और आज मैं जल्दी उठ गया था, तो हमें निकलना है 6:30 बजे तक निकलने का हमारा प्लान है। लेकिन हम कौन कौन जा रहे हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। मेरे क्लासमेट है, मेरे फ्रेंड है, जो कि आपको पता ही चल जाएगा हम वहाँ पर जाएंगे तभी। तो चलिए आप थोड़ी वेट करते, फिर हमें निकलना है सीधे 6:30 बजे। लेकिन 6:30 बजे निकलना है ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन पे जो कि जो ड्राइवर है उन पे कितने बजे निकलना है तो देखते हैं। अभी वेट करते हैं सुबह होने की, और अभी तक अंधेरा है वहाँ तो उजाला भी पड़ा नहीं, तो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर जाएंगे। और मैंने अभी तक नहाया नहीं, तो पहले नहा लेते फिर देखेंगे आगे। तो गाइस, हम हमारे सफर पर निकल गए थे, और हाँ, है था लोकेश, और है भूषण, और है था गौरव, और है था रूपेश, और हमें जाना था लड़िंग। तो गाइस, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जो आगे नज़ारा है आप भी देख सकते हो। ये देखिए, हमें वहाँ पे जाना है, और फिलहाल तो देखिए इस बंदे से मैंने नहीं मिलाया था, ये निखिल, हाय कर दे। और ड्राइवर तो ये देखिए, ये ड्राइवर था। फाइनली गाइस, हम वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही हमारे दिल की धड़कन और तेज हो गई थी, क्योंकि कहा जाता है ये भी गढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था। मतलब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज आते तो नहीं थे, लेकिन उनके मावड़े थे। तो गाइस, हम आधे रास्ते पे आ चुके हैं, मतलब और ऊपर जाना है, आप देख सकते हो अभी बहुत ही ऊपर जाना है, तो चलते हैं भाग के। और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से इतना अच्छा नजारा है। कैमरा में आप जस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी में बहुत ही अच्छा है। चलते हैं और आगे। गाइस, हमें लग रहा था कि हम आसानी से ऊपर चल जाएंगे, लेकिन नहीं। वहाँ पे हमने पहला स्टॉप लिया और 2 मिनट रेस्ट किया, थोड़ा बैठ लेते, लेकिन हमने सोचा कि हम यहाँ पे 2 मिनट तो बैठ लेंगे, लेकिन फिर से हमारे मन में लालच आएगी बैठने की, फिर हमने सोचते ही वहाँ से निकलने का फैसला लिया। तो चलो, बहुत मिनट बैठ रहे हमने, अभी निकलते ऊपर चलते। उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़े थे वो इतने ऊपर कैसे चढ़ते थे, और उस वक्त तो ये सीढ़ियां भी नहीं थी। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो लड़िंग का गढ़ है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का था, और मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे नहीं आते थे, लेकिन उनके जो मावड़े थे वो ये गढ़ संभालते थे। तो अभी चलते हैं ऊपर, आप देख सकते हो हम कितने ऊपर आ चुके। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़िंग किला औरंगजेब से युद्ध करके ले लिया था, और यहीं से 50 किलोमीटर आगरा रोड पे एक सोनगिर नाम का किला था। और कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ से खजाना लेकर उस सोनगिर किले पर सोना चांदी छुपाया था,
और उसी दिन से उस गांव का नाम पड़ गया सोनगिर। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो नेक्स्ट ब्लॉक सोनगिर का होगा। हम बहुत ही ऊपर चढ़ गए थे और हमने सोचा कि हमें फिर से सेकंड स्टॉप लेना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए और अभी बहुत ही ऊपर जाना है और ये जो सीढ़ियाँ है यहाँ से और नीचे तक यहाँ से खत्म हो चुकी है। यहाँ से देखिए व्यू कितना अच्छा है, देखिए। थोड़ी देर बैठने के बाद हम फिर से वहाँ से निकल गए और यहाँ से जो सीढ़ियाँ थी वो खत्म हो चुकी थी और अभी हमें जाना था पत्थरों के रास्ते के साथ और हम चलते गए। लेकिन यहाँ पे एक और खतरा था, पत्थरों में से कहाँ से पानी निकल रहा था ये हमें पता नहीं था और कभी भी हमारा पैर यहाँ से फिसल सकता था। चलो गाइस अभी निकलते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं है, अभी यहाँ से ऐसे कुछ रास्ता है आप देख सकते हो। चलो और यहाँ पे तो पानी है भाई, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अभी हमने फिर से यहाँ पे स्टॉप ले लिया है और अभी थोड़ा सा रह गया है ऊपर जाने का। यहाँ पे भी बैठा है लोकेश, रुपेश, निखिल और इधर गौरव। अभी थोड़ा देर यहाँ पे रुकते हैं और अभी निकलते फिर से। तो गाइस चलते फिर से और यहाँ से व्यू आप देख सकते हो। और गाइस हमारे से एक गलती हो चुकी थी, वो गलती थी कि हम जब घर से निकले थे तभी हमने ना पानी की बोतल ली थी ना खाने के लिए कुछ लिया था और वैसे ही हम थकते थकते ऊपर आ गए थे और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा धूप आ रही थी। धूप की वजह से हम सब लोगों का गला सूख गया था और पानी के लिए हम सब लोग तरस रहे थे। लेकिन ऊपर देखते ही हमारी मंजिल आ गई थी और पानी भूख सब हमारे दिमाग से चला गया था और बस इतना कुछ रह गया है अभी ऊपर जाने के लिए। तो चलते हैं, बहुत ही थक गए गाइस। तो फिलहाल बहुत ही मतलब बहुत ही और गए, फिर से हम यहाँ पे स्टॉप लिया था और ये पत्थर देखो कैसा देखे। लेकिन गाइस हमें मंजिल देख के हमारे दिल में बहुत ही सुकून मिल रहा था लेकिन हमें पता नहीं था कि वो मंजिल बहुत ही ऊपर है। हमें सिर्फ दिख रहा था कि वो नीचे है लेकिन वो बहुत ही ऊपर था और हमने फिर से सोचा कि एक और स्टॉप लिया जाए। और गाइस इधर देखो यहाँ पे भी एक पहाड़ है। फाइनल गाइस थोड़ा सा रह गया है और निखिल यहाँ पे है, दादू और गौरव तो ऊपर चल गए तो अभी भी हम चलते हैं। चढ़ा नहीं जाता, बहुत ही ऊपर है इसलिए। है देखिए फाइनली आ गई हमारी मंजिल और अभी यहाँ पे हम रुकते हैं और निखिल के तो हवा टाइट हो चुकी है। भूषण और रूपेश तो नीचे ही है क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे बैठ चुके हैं इसलिए। और अभी जितनी मेहनत ऊपर आने के लिए लगी उतनी मेहनत नीचे जाने के लिए नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ से उतारे इसलिए और उधर से चढ़ती है। और थोड़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा कि अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और निकलने से पहले हमने बोलना पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। तो चलिए अभी फिर से चलते हैं ऊपर और महाराजों का नाम लिया और ऊपर हम निकले और उतना जोश आया हमारे अंदर, हम भाग के ऊपर चले गए थे और ऊपर जाके हमने देखा कि वहाँ पे एक गुफा थी और हमने हमारे ऊपर देखा तो सारी तरफ पंछियाँ थी। लेकिन फिर से हमने सोचा कि हमें तो ऊपर जाना है और हम गए गुफा के पास और गुफा के पास जाके हमने देखा कि सारी गुफा में पंछिया थी। और वैसे यहाँ पे देखो कुआ है, मतलब कुआ जैसा है लेकिन ये कुआ नहीं है, इसमें पानी भी है लेकिन क्या है हमें पता नहीं है। देखिए जमीन से लेकर आसमान तक 2 किलोमीटर की दूरी पर भी ये पानी है। गाइस हम ऊपर तो पहुँच गए थे लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे इसलिए हमने रेस्ट करने की सोच ली थी और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था जो हमारी थकान थी वो व्यू देख के सारी निकल गई थी। छत्रपति
शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद हम ऊपर पहुंच चुके थे, और जो ऊपर पहुंचने के बाद जो सुकून मिल रहा था, नेक्स्ट लेवल सुकून था। और गाइस यहां से देखो, ये देखिए यहां पे वाटर पार्क है। और गाइस वहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बंदर है। और मतलब अभी तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है, क्या ही बोलूँ, क्योंकि आगे यहाँ पे व्यू देख के तो मतलब मन इतना शांत हो गया है कि बोलने का मन ही नहीं हो रहा है। और यहाँ से भी व्यू वैसा ही। और गाइस यहाँ से इतना अगर यहाँ से गिरे तो मरने का ही काम है यहाँ पे। तो भी गाइस हम यहाँ पे हमें रुके हुए आधा घंटा हो चुका है, और हम मतलब यहाँ पे पूरा घूम रहे थे, और फोटोशूट भी चल रहा है बाकी लोगों का, मतलब जो हमारे साथ है उनका। और गाइस यहाँ पे आते बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा है। हम इतने थक थक के ऊपर आए, और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू देखो, मतलब बहुत ही ऊपर है। और अभी चलते हैं फिर से फोटो शूट करने के लिए वहाँ पे, फिर से जो निकलता है वो बुला रहा है कि फोटो निकाल दे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब इतना अच्छा लडिंग का घर है, और यहाँ पे कुछ भी निकल दिया है। देखिए बस यही यहाँ पे गलती हो चुकी है, इतना अच्छे घर पे कुछ भी निकल रहे हैं। अभी चलते हैं फिर से फोटो निकालने के लिए, अभी चलते हैं फिर से नीचे, एक गुफा है यहाँ पे। और तो चलो फिर से हम आगे ऊपर, नीचे गुफा में कुछ नहीं था, मतलब जाने का रास्ता था वहाँ पे, और चलते हैं अभी। और ये दोनों यहाँ पे, बाकी के लोग वहाँ पे, यहाँ से भी, और यहाँ पे दादू और निखिल। फिलहाल तो यहाँ से यू देखो, यहाँ पे तालाब है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये शिवकालीन ईंट बनाई है, ये अपने जमाने की नहीं है, पत्थर से बनाई हुई है, ये देख सकते हो छोटी छोटी। उसका कहने का मतलब ये था कि ये जो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, ये मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के, ये कितने शेप में बना है देख सकते हो आप, 90 डिग्री का एंगल है, इसने जेस भी कर लिया कि 90 डिग्री का एंगल है, बहुत ही मतलब बहुत ही पड़ाकू कीड़ा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ तीन बिल्लास का है, 1, 2 और 3, और इधर भी देख सकते हो 1, 2, 3। ये यहाँ कड्डे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो मावड़े होते हैं वो हथियार छुपाने के लिए यहाँ यूज करते थे। दिखा उनको, दिखा, देखिए यहाँ पे यार, ये हथियार छुपाने के लिए यहाँ, क्योंकि जब कोई तोप चलाता था तब यहाँ से कोई यहाँ इनकी तोप रखी जाती थी, और यहाँ इनके गोले तलवारी सब रखे जाते थे। और अभी चलते यहाँ पे, इतने ऊंचे क्यों बनाए गए थे, क्योंकि सामने वाला किला जो है उस पर आसानी से अटक किया जा सके, और वहाँ क्या चल रहा है आसानी से देख सके। यहाँ पे चल रहा था कि ये जो आप देख सकते हो ये पत्थर, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के 400 साल पुराने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी 300 साल पुराना है। हाँ वही, बाकी के लोग आते तो ये यहाँ पे देखो कैसे लिख जाते हैं, ये देखिए सारी तरफ लिख के गए, और यहाँ पे भी, और ये बाकी के यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं।
तो फिलहाल वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी हवा रही है दोस्तों, यहाँ एसी से भी ठंडा एकदम टेम्परेचर होते और यहाँ पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है और एसी को भी तोड़ देने वाला शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले बनाया हुआ एसी। ये जो किले के बाजू में जो चल रहा है सामने, ये देख सकते हो सामने कुछ किले पे कुछ चल रहा है, वो देखने के लिए ऐसे देखते थे। ये गुप्त गुफा थी ये सिर्फ महाराजों को पता थी। ये देख सकते हो यहाँ से मावड़े आते थे और यहाँ से देखते थे कि अगले वाले जो किला है उसमें कुछ चल रहा है नहीं, और यहाँ से हथियार छुपाया जाता था ऐसा हो भूषण कह रहा था। लेकिन ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है बता नहीं, लेकिन ये जो किला है ये सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े के किला था। जैसे कि मतलब छत्रपति या छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे आते थे नहीं, लेकिन उनके जो मावड़े थे ये किला संभालते थे। और बस अभी चलते हैं आगे, और ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए अभी निकलते हैं फिर से ऊपर, ये तो चले गए। यहाँ पे आते ही इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और आगे चलते हैं। और ये क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, सर्कल जैसा पत्थरों से बनाया है और यहाँ पे भी एक गुफा है। ये देखिए आए थे इस गुफा के पास, और गुफा के पास जाके देखा तो गुफा में इतने सारे मतलब उतरने के लिए जगह भी नहीं थी और सारी तरफ जो वॉल खराब कर दी थी। आप देख सकते हो गाइस, आप देख सकते हो कि कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और ये तो दूर वहाँ पे जो आपको वो दिख रहा है वहाँ पे भी लिखा गया है। ये देखिए वहाँ पे भी लिखा गया है, मतलब यहाँ पे जाने के लिए जगह भी नहीं है। ये देखिए कैसे जाएंगे लोग, तभी भी कुछ लोग रहते हैं हजारों में से एक, उन लोगों ने यहाँ पे सब सब खराब कर दिया है। देखें ये जो कुआ दिख रहा है इसमें पानी नहीं है, लेकिन वो जो तीन कुआ दिख रहा है एक दो तीन उसमें पानी है। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे आए और हमारे साथ जो ड्राइवर था वो तो नहीं आया ऊपर, और वहाँ पे उसकी गाड़ी दिख रही है, मतलब इतनी छोटी सी गाड़ी दिख रही है। तो भी गाइस देखो अभी हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देखो खा के सीधा कचरा यहाँ पे डाल देते हैं, और हमारे भूषण साहब उछल रहे हैं। मैं देखा था कि कई लोग यहाँ पे ऊपर आके खा रहे थे किले पे, लेकिन यहाँ से बाजू में कचरा फेंक देते थे। मैं खाने का नहीं बोल रहा, लेकिन खाते हो तो जो कचरा है हो तो नीचे ले जाओ और डस्टबिन में डाल दो। तो भी गाइस अभी निकलते हैं सीधे घर पे, बहुत ही देर हो चुकी है हमें, हम 8:30 बजे आए थे यहाँ पे, अभी 10 बजने में आ चुके हैं। तो बाकी के 2 बंदे थे वो तो निकल गए, अभी हम ही यहाँ पे 4 लोग बाकी हैं। तो अभी निकलते हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, संडे तो था लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मन नहीं हो रहा। और हम लोग घर से खाना भी नहीं खा के आए थे, और पानी की बॉटल जो होती है वो भी नहीं लाई, इसलिए पूरा गला सूख गया है। तो अभी चलते हैं नीचे, अभी इतना कुछ नीचे जाना है, ओ बैसल गया था, अभी बहुत ही नीचे जाना है, अभी चलते हैं नीचे। अब हम ऊपर आ रहे थे तभी हमें लग रहा था कि नीचे जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खास दिक्कत तो नीचे जाते वक्त हो रही थी हमें, और हमारा पैर यहाँ से फिसल रहा था। जब हम नीचे आ रहे थे तभी हम पूरी स्पीड में नीचे आ रहे थे, लेकिन हमारे एक बंदे का ये हाल हो चुका। जब हम नीचे आ रहे थे तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा भाग रहा था, और इसका पैर फिसला और इसको लग गई, इसकी जींस भी फट गई थी। तो भी गाइस अभी हम पूरे स्पीड में नीचे आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर जाने में बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन नीचे आने में तकलीफ नहीं होती ज़्यादा, मतलब गाड़ी के रफ्तार से आते हैं। और ये भाई दिख रहा है ये वहाँ पे गिर गया, पैर को लगी है थोड़ी सी, मतलब ऐसा गाड़ी के जैसे स्पीड में आ रहा था नीचे भाग के, जैसा पाव फिसला सीधा गिर गया, लेकिन मैंने तभी कैमरा ऑन नहीं किया था। अभी चलते हैं नीचे, भाई को बहुत ही ज़्यादा लग गई है, और ये इसका भाई, अभी चलते हैं, अभी बस नीचे जाने के लिए अभी थोड़े से रह गए, अभी चलते हैं नीचे, फिर गाड़ी में बैठेंगे। और पानी की तीस तो बहुत लगी है, जहाँ पे लगी थी वहाँ पे हमने
मतलब टंटनी का पाला जो होता है वो लगा दिया है, आयुर्वेदिक रहता हो इसलिए वो तो लगा दिया, लेकिन और गए जो हमारे ड्राइवर भाई थे मयूर भाई वो ऊपर नहीं आए थे लड़िंग किले पे। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने दूर आके हो भाई ऊपर ही नहीं आए थे क्या करना था मुझे बता नहीं। तो गाइस फाइनल हम नीचे आ चुके हैं, अभी बैठते हैं टेम्पो में और चलते हैं सीधे घर पे। अगर बीच में कहीं पे रुकाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे खाना खुना खाने के लिए, तो चलते हैं अभी ऊपर। और कल आते ही मैं सो गया था और फिर उठने के बाद फिर खाना खाया और फिर से सो गया। तो बस वैसे तो हमारा वीडियो जो था वो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो वहाँ पे मज़ा आया था बहुत ही अच्छा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे एडवेंचर वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस बस आज का ब्लॉग यही फेन करते हैं, और जो वहाँ पे मज़ा आया था गाइस क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही अच्छा। अगर आपको ऐसे ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। और बस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इस वीडियो आपने देखा है तो पूरा तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।